हैं, ओबीसी को मौका दिया जाएगा, लेकिन डॉक्टर मोहन यादव इनको मौका दिया जाना कहीं से भी नाम दौड़ में नहीं था, लेकिन जो संघ के महत्वपूर्ण पदाधिकारी है सुरेश सोनी जी उनसे नजदीक हैं और कहीं ना कहीं संघ की पृष्ठभूमि से डॉक्टर मोहन यादव हैं, क्योंकि उज्जैन में ये जो है यूनिवर्सिटी में छात्र नेता रहे हैं, पार्षद रहे हैं, लंबा उनको राजनीतिक अनुभव हुआ है और कहीं ना कहीं हम लोग उनके साथ भी रहे हैं जब परिषद में काम किया, तो ऐसे में मोहन यादव जो है वो संघ की पृष्ठभूमि से आते हैं और यहाँ जो मुख्य बात है कि जो जितना भी चल रहा था उसमें जो नाम ये निकल के आया मोहन यादव चौंकाने वाला जरूर है, लेकिन चूंकि संघ की पसंद थी और संघ का व्यक्ति को यहाँ बना दिया गया है, तो इस तरह से डॉक्टर मोहन यादव यहाँ चिन्हित किए गए हैं अगले मुख्यमंत्री के रूप में। नेहा बिल्कुल, और अरुण जी जिस तरह के हम बात कर रहे थे कि प्रहलाद सिंह पटेल हो सकते हैं, शिवराज सिंह चौहान आते हैं, लेकिन जिस तरीके से अमित शाह की हम बात कर ले, पीएम मोदी की हम बात कर ले, वो हमेशा एक सस्पेंस रखते हैं और एक चौंकाने वाला फैसला लेके आते हैं जनता के सामने। कुछ इस तरीके का नाम सामने आया है मध्य प्रदेश में भी सीएम के चेहरे को लेकर। जी हाँ नया जी, निश्चित रूप से अभी थोड़ी देर पहले आपके साथ जब चर्चा चल रही थी तो ये बात हम कर भी रहे थे कि जो दोनों लोग हैं गृह मंत्री और जो प्रधानमंत्री हैं वो चूंकि इस देश को बहुत। और अरुण जी एक और अपडेट मैं आपको दे दूं, जगदीश देवराव राजेंद्र शुक्ला डिप्टी सीएम मध्य प्रदेश में हो गए, ये भी बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को दे दें। जगदीश देवराव वित्त मंत्री रहे हैं शिवराज कैबिनेट में, राजेंद्र शुक्ला मंत्री रहे हैं और कहीं ना कहीं उनकी नाराजगी भी पार्टी से देखने को मिल रही थी और जगदीश देवड़ा का नाम जिस तरीके से बीच में सामने आया था लेकिन उम्मीद कम थी कि डिप्टी सीएम ये हो सकते हैं, लेकिन अभी ये बना दिया गया। देखिए नेहा जी, डिप्टी सीएम बनाए जरूर गए हैं लेकिन आपको यहाँ हम अपने दर्शकों को भी अपडेट कर दें कि जो राजनीतिक गलियारा है उसमें ये चर्चा भी चली थी कि यदि सीएम शिवराज सिंह मुख्यमंत्री नहीं बनते और यदि उनकी पसंद पूछी जाती है तो निश्चित रूप से यहाँ जगदीश देवड़ा जो है वो नाम प्रपोज कर सकते थे। खैर अब सब कुछ हो गया है, यहाँ दो उप मुख्यमंत्री बने हैं क्योंकि उस संवर्ग को साधना, अनुसूचित जाति से आते हैं जगदीश देवड़ा जी, तो उस संवर्ग को साधने की यहाँ कोशिश की गई है। साथ ही साथ राजेंद्र शुक्ला एक अनुभवी मंत्री है, कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के चहेते भी रहे हैं, तो उनको उप मुख्यमंत्री बनाकर सीएम शिवराज की नाराजगी को भी थोड़ा कम करने की यहाँ कोशिश की गई है। नहीं जी जी, नवीन जी क्या कहेंगे, तीन नाम, दो डिप्टी सीएम एक सीएम और तीनों ही नाम बेहद चौंकाने वाले, शायद हमने अंदाजा भी नहीं लगाया होगा कि ये नाम सामने हो सकते हैं। देखिए नेहा जी, जिस तरह से मनोहरलाल खट्टर, जिस तरह से पुष्कर धामी, जिस तरह से छत्तीसगढ़ में अभी साय, ये जो नाम है ये सब संघ की पसंद है, लेकिन इस पर मुहर जो लगाई गई है वो दिल्ली नेतृत्व ने लगाई है, खासकर नरेंद्र मोदी और अमित शाह, उन्होंने संतुलन भी किया है और विधायकों की राय मशवरे को भी इसमें स्थान दिया है। आप देखिए मोहन यादव जहाँ पिछड़ा वर्ग से आते हैं वहीं दलित के रूप में जगदीश देवड़ा को उप मुख्यमंत्री बना करके संतुलन साधा गया है और पंडितों के, ब्राह्मणों के नेता के रूप में राजेंद्र शुक्ला को स्थान दिया गया है और अगली एक ब्रेकिंग और आप जोड़ लीजिए, नरेंद्र सिंह तोमर जो है वो स्पीकर होंगे, तो वहां पे जो जोड़ लिया गया है उनको ये के मतलब जो क्षत्रिय उसको मतलब संतुलन क्षेत्र का भी संतुलन देखिए, रीवा, मालवा, मध्य भारत और चंबल, चारों राज्यों को भी जोड़ा गया है, समाज को भी हाथ सिद्ध किया गया है, मतलब साधने का जो तरीका है, जो मतते हैं दोनों जिनकी जिक्र अभी अरुण जी कर रहे जी, थे जी, जी। दो बड़े नेता जो भारतीय जनता पार्टी के जिनके ऊपर पूरी भरोसा है, आस्था है, इसलिए विधायक दल में इस निर्णय को लेकर के कोई अचंभा नहीं है क्योंकि उन्होंने जितने निर्णय अभी तक लिए हैं मध्य प्रदेश का ही नहीं, मैंने आपको हरियाणा दिखाया, छत्तीसगढ़ दिखाया और भी कई, उत्तराखंड की बात कर ले, तो ज्यादातर हिस्सों में उनका निर्णय चौंकाने वाला ही होता है। और हम जब इस डिबेट के पहले एक बार डिबेट में बैठे थे तो हमने जिक्र ये हुआ था कि या तो शिवराज सिंह चौहान होंगे या फिर कोई ऐसा नया चेहरा होगा जिस जो इन सब दौड़ से बाहर होगा, जिन दौड़ का जिक्र आ रहा था पिछले कई दिन से कि तोमर हो सकते हैं, सिंधिया हो सकते हैं, वो सारे नाम किनारे कर दिए गए क्योंकि वो नया नाम लाने का एक बहुत दिनों से यहाँ पर प्रयोग होना था। और मध्य प्रदेश चूंकि जब आडवाणी जी की सत्ता में जब वो यहाँ आया करते थे उस समय उनका एक कहना था कि मध्य प्रदेश जो है वो उर्वरा भी है और भारतीय जनता पार्टी की प्रयोगशाला है, तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर प्रयोगशाला में प्रयोग करती है और वो सफल भी होते हैं। शिवराज सिंह चौहान जब मुख्यमंत्री बनाए गए थे जब भी वो केवल एक
सांसद थे, सांसद से मुख्यमंत्री बनाए गए थे और उन्होंने जो लंबा कार्यकाल मध्य प्रदेश को दिया है, मैं समझता हूं कि इसी तरह का कुछ उदाहरण पेश करने के लिए ये तीनों चारों नामों को संतुलित करके भारतीय जनता पार्टी ने आज घोषणा की। बिल्कुल नवीन जी, लेकिन जिस प्रकार से लग रहा था कि चलिए ठीक है, एक बार हम मान भी लेते हैं कि शिवराज सिंह चौहान को अलग करने की कोशिश की गई थी, अगर उनको बनाना होता तो सीधे सीधे पद पर बिठा दिया होता, लेकिन अब क्या भूमिका रहेगी यहाँ पर सीएम शिवराज सिंह चौहान की, क्योंकि पहले भी उन्होंने कहा था कि हालांकि अब सीएम नए ऐलान हो गया है, पहले भी उनका एक बयान आया था कि हम सब पार्टी के कार्यकर्ता है, हमें जो भी काम दिया जाएगा हम करेंगे, हमें कोई मंशा या लालच नहीं है पद का। ये नया जी, भारतीय जनता पार्टी अनुशासित सिपाहियों के का दल कहा जाता है और उनके कार्यकर्ताओं में ये बात बिल्कुल पहले दिन से डाल दी जाती है, क्योंकि उनको संघ की पृष्ठभूमि तैयार करती है, तो उसमें ये कभी नहीं होता कि वो विरोध करें और बाहर जाकर के इसकी बातें करें। इसलिए ये संभव है कि अब उन्हें लोकसभा चुनाव में, जिन शिवराज सिंह चौहान को हमने मध्य प्रदेश में लंबे समय तक देखा है, वे बहुत जल्द लोकसभा के चुनाव में विधानसभा की अपनी सीट से इस्तीफा देंगे, जो मुझे सूत्रों के अनुसार जानकारी मिली है, और वे लोकसभा में जाएंगे और लोकसभा में उनको केंद्रीय मंत्री बनाने का प्रस्ताव है। तो इस तरह से मध्य प्रदेश में उनकी भूमिका फिलहाल तो एक विधायक के रूप में रहेगी और केंद्रीय मंत्री के रूप में वो जल्दी जाएंगे, लेकिन हाँ ये भी तय मान लीजिए कि मध्य प्रदेश का जो मंत्रिमंडल होगा वो भी बहुत चौंकाने वाला होगा। आप उसमें ये देख लीजिएगा, क्योंकि जब मोहन यादव का एक मंत्रिमंडल बनेगा तो आप समझ सकते हैं कि उसमें कौन चेहरे होंगे, नए युवा चेहरे भी हो सकते हैं, वो ये भी आप देखिएगा कि उसमें कम आयु के भी होंगे, कुछ बुजुर्गों को भी स्थान दिया जाएगा, महिलाओं का भी बराबर ध्यान रखा जाएगा। मतलब अब संतुलन की बारी मोहन यादव की है, क्योंकि अभी संतुलन अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी ने करके एक नया उदाहरण दिया है मध्य प्रदेश को, अब बारी मोहन यादव की तरफ से है। बिल्कुल अरुण जी, कब जब कोई नया चेहरा ऐसे बड़े पद पर बैठता है, हालांकि सभी नए होते हैं पहली बार जब विधायक चुन के आते हैं, लेकिन जब ऐसा चेहरा जिसकी कोई उम्मीद भी नहीं थी, जहां से किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा चेहरा कभी मुख्यमंत्री बन सकता है, तो कितनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके कंधे पर हो सकती है, क्योंकि लोकसभा चुनाव भी सामने है, सबको साधने की कोशिश भी करना है, चाहे युवाओं की बात करें, चाहे कृषकों की बात करें, चाहे महिलाओं की बात करें, सबको खुश रखना जिस तरीके से बीजेपी करते आ रही है। मोहन यादव के लिए सब कुछ नया है, एक तो इतनी बड़ी जिम्मेदारी प्रदेश स्तरीय उनको दी गई है, मध्य प्रदेश एक हृदय कहा जाता है पूरे भारत का, तो उस बड़े प्रांत के मुख्यमंत्री का दायित्व का निर्वहन करना, साथ ही साथ नया चेहरा होके जितने भी छत्रप हैं उन सबको साधना, लोकसभा की 29 जो सीटें हैं, जो मिशन मोदी ने दिया है कि अब की बार 29 बार मध्य प्रदेश की बात करें तो वो सारी सीटों को लेना, साथ ही साथ जो विपक्षी दल है कांग्रेस, तो उनको भी एक चुनौती के रूप में लेना। और यहाँ एक बड़ी चीज ये और आई है नेहा जी, कि आप देखिए अभी जो महिलाएं हैं, पूरा चुनाव जो है महिलाओं को लेके हम बात भी कर रहे थे, लेकिन तीन दोनों पद यानी कि डिप्टी सीएम और लोकसभा सॉरी विधानसभा अध्यक्ष, इसमें किसी महिला की ताजपोशी नहीं करना। तो अब जितनी महिलाएं बची हुई है उनमें मंत्रिमंडल में महिलाओं को, रीति पाठक का नाम चल रहा था अरुण जी डिप्टी सीएम के, लेकिन उनको भी दरकिनार कर दिया गया। मैं वही कह रहा हूँ कि उनका चल रहा था, इसके बाद में भोपाल से जो विधायक बनी है कृष्णा गौर, उनकी भी संभावना थी, और भी कई नाम है जहां पे महिलाएं काफी जीत के आई हैं। तो ऐसे में अब मंत्रिमंडल, चूंकि मंत्री उतने ही है, सीमित है, अब ऐसे में क्या जो मोहन यादव है मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और उसके बाद जो मंत्रिमंडल का स्वरूप रहेगा तो क्या महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करेगी, तो यह भी एक बड़ा चैलेंज अभी उनके सामने आने वाला है। साथ ही साथ जितने छत्रप हैं उनको, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, उन सभी छत्रपों को सेट करना, उनकी मनोस्थिति समझ के, और कोई विरोध के स्वर ना उठे। अब देखें आप कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जिन्होंने पिछली बार सरकार बनवाई थी, नरेंद्र सिंह तोमर को कोशिश की है कि उनको स्पीकर बनाया है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके जितने लोग हैं, कैलाश विजयवर्गीय जो अभी काफी दिनों से जो रमेश मेंदोला बयान दे रहे थे, उनके नामों की तख्तियां बन गई थी, उनको कहीं अभी अच्छा स्थान नहीं मिला है। तो खुद सीएम शिवराज जिनके सबसे ज्यादा यहां पर विधायक बन के आए, तो इन सभी छत्रपों को सेट करना बड़ा चैलेंजिंग काम होगा मोहन यादव के लिए। बिल्कुल नवीन जी, जिस तरीके से अरुण जी ने कहा कि बहुत मुश्किल काम है, लेकिन अब ठीक है सीएम के पद पर बैठे हैं तो साधने की कोशिश की जाएगी, लेकिन कयास लगाए जा रहे थे कि जो सिंधिया खेमा है, क्योंकि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका अगर हम देखें 2018-19 के चुनाव में सिंधिया समर्थकों ने निभाई थी, और कयास भी लगभग लगाए जा रहे थे कि शायद उनके खेमे का कोई नाम हो सकता है जो डिप्टी सीएम के पद पर भी हो सकता, लेकिन पार्टी ने उनको भी दरकिनार कर दिया, क्योंकि कुछ तस्वीरें आई थी बीते कुछ दिनों पहले, हमने देखा था शिवराज सिंह चौहान ज्योतिरादित्य सिंधिया की मुलाकात हुई है, और कहा जा रहा था कि प्रेजेंट के जो हमारे वर्तमान के मुख्यमंत्री और जो फ्यूचर के मुख्यमंत्री वो एक साथ नजर आ रहे थे, तो एक ये भी बात यहाँ पर चल रही थी, लेकिन
चौंका दिया पार्टी ने तो। देखिए नेहा जी, अभी जब मंत्रिमंडल का आज और कल में जब निर्धारण किया जाएगा, पहले शपथ मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री लेंगे, लेकिन जब ये निर्धारण होगा तो आप ये मान के अब हमारे 32 मंत्रियों का स्थान है, 32 मंत्रियों के स्थान पे आप देखिएगा कि बहुत बेहतर से बेहतर, क्योंकि पार्टी ये कतई रिस्क लेना नहीं चाहेगी। सन्निकट लोकसभा चुनाव है, जैसा कि अरुण जी ने बताया कि बड़े बड़े कद्दावर नेता जब वहां पर बैठे होंगे विधानसभा में, तो ये मान के चलिए कि उनको सबको साधना और उनको सबको उनका ईगो सेटिस्फाई करना सबसे मुश्किल काम होता है राजनीति में। और जब मोहन यादव चूंकि नया चेहरा होंगे सभी के लिए, तो उनको ये चैलेंज, ये चुनौती उनके लिए बहुत बड़ी होगी कि वो अपने बड़े नेताओं को जिनके अंडर में उन्होंने काम किया है, क्योंकि ये बात सही है कि उनका राजनीतिक जीवन बहुत लंबा नहीं है, वे तीसरी बार के विधायक हैं, लेकिन बहुत लंबा राजनीतिक जीवन न होने के कारण उन्हें अभी कई लोगों से, इवन कैलाश विजयवर्गीय उनसे बहुत सीनियर हैं, शिवराज सिंह जी उनसे हैं, प्रहलाद पटेल जी उनसे हैं, नरेंद्र सिंह तोमर, जगदीश देवड़ा भी उनसे बहुत सीनियर हैं, लेकिन चूंकि पार्टी का निर्णय है तो पार्टी के निर्णय को शिरोधार्य करने का केवल और केवल मध्य प्रदेश की है या भारतीय जनता पार्टी किसी भी देश में कहीं भी उस निर्णय को कोई चुनौती नहीं देता। अब उनको चुनौती का सामना जरूर करना पड़ सकता है, लेकिन जैसा कि कहा जाता है कि समय और देशकाल परिस्थिति के अनुसार सब समय के अनुसार ढलता जाता है, तो मैं समझ रहा हूं कि धीरे धीरे मोहन यादव को इस तरह की सारी चुनौतियों के साथ वो अपनी सरकार को चला पाएंगे, क्योंकि सरकार बहुत एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में है। और यदि कोई जैसा पिछले 2018 के चुनाव में यदि इस तरह की कहीं बात होती तो हम समझ सकते थे कि जब 2-4 विधायकों का अंतर होता है तब पार्टी में इस तरह की गतिविधियां हो सकती हैं, लेकिन अब तो एक एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ जब सत्ता में सरकार में संगठन होता है तो संगठन के नेताओं का निर्णय ही सर्वोपरि होता है। और मैं समझता हूं कि कोई विधायक या कोई भी सदस्य विधानसभा का पार्टी के निर्णय के खिलाफ नहीं जाता है और पार्टी के निर्णय में ही अपने निर्णय को समाहित करके चलेगा, तो ये सरकार मोहन यादव की सरकार जो है वो धीरे धीरे अपने रंग में रंग जाएगी। अरुण जी, प्रहलाद सिंह पटेल, रीति पाठक, कैलाश विजयवर्गीय, शिवराज सिंह चौहान, क्या कद होगा पार्टी में? अब निश्चित रूप से अभी डॉक्टर जोशी साहब से आपने प्रश्न लिया था शिवराज जी के बारे में, तो ये चारों लोग हैं, तो शिवराज जी की जो भूमिका है पहले से ही लगभग तय मानी जा रही थी कि उनको केंद्रीय जो है नेतृत्व केंद्र में बुला लेगा। अब चाहे वो, क्योंकि आप देखें कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नड्डा साहब, उनका भी कार्यकाल बाइट दी थी, उनका एक बयान आया था, उनकी बाइट आई थी, आपने भी शायद गौर किया हो, मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा, साफ तौर पर कह रहे थे कि मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा, इससे क्या समझे? और अब जो यहाँ पर ऐलान हुआ है, जो मायने था वो लोक, ये जो विधानसभा चुनाव है इसके मुख्यमंत्री पद के लिए उन्होंने ये कहा था कि इस दौड़ में मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा, जबकि सारे जितने भी नाम चल रहे थे सिंधिया से लेके विजयवर्गीय तक और नरेंद्र सिंह तोमर से लेके प्रहलाद पटेल तक, ये सब लोग अपने अपने आकाओं को सेट करने के लिए दिल्ली दौड़ रहे थे। ऐसे में सीएम शिवराज जो है अति आत्मविश्वास में जो है लबरेज थे, अपना काम कर रहे थे मध्य प्रदेश में, तो उस तारतम्य में उस बयान को कहा गया था कि मैं जो है दिल्ली नहीं जाऊंगा। तो मैं आपसे जो बात कर रहा था कि सीएम शिवराज की जो पहले से तय था उनकी भूमिका को केंद्र में ले जाने की, अब दो चीज हो सकती है। मैं बता रहा था कि जेपी नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनका कार्यकाल पूरा होने वाला है, तो ऐसे में एक बड़ी जिम्मेदारी शिवराज सिंह चौहान को दी जा सकती है, भारतीय जनता पार्टी का उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है। इसके पहले भी वो इस तरह की जिम्मेदारियां निभा चुके हैं, युवा मोर्चा के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, तो संगठन को मैनेज करने की एक अद्भुत क्षमता जो है शिवराज सिंह चौहान के व्यक्तित्व में है। एक बात हो गई, नरेंद्र सिंह तोमर चूंकि स्पीकर बन गए हैं, अब वहां एक ऐसा पद होता है जो गरिमामय संवैधानिक पद पे उनको बिठा दिया गया है, अब रह गए दो जो लोग हैं, कैलाश विजयवर्गीय जी और जो आपने बताया प्रहलाद पटेल जी। तो अब प्रहलाद पटेल जी, जहां तक जो समीकरण है जो राजनीतिक गलियारे में चर्चा है कि गृह मंत्री जैसा जिम्मेदाराना पद जो है प्रहलाद पटेल जी को दिया जा सकता है, खैर भविष्य की गर्त में छुपा हुआ है ये। और कैलाश विजयवर्गीय जी चूंकि पहले से संगठन में काम कर रहे हैं, अब लोकसभा चुनाव सामने है, तो इन नेताओं का जो है कहीं ना कहीं उपयोग लोकसभा चुनाव में या मिशन 400 जो चल रहा है मोदी के लिए उसमें भी लोगों को फ्री रखना एक भारतीय जनता पार्टी के पास जो है बुरी बन गई थी, तो इन सब का कहीं ना कहीं केंद्रीय नेतृत्व केंद्र के जो चुनाव है उनमें करेगा।
बिल्कुल नवीन जी, जिस तरीके से चर्चाएं चल रही थी, हमने कुछ दिनों पहले भी सुना था और आज भी खबरें आ रही थी कि कहीं ना कहीं गोपाल भार्गव पार्टी के दिग्गज नेता, नौ बार के विधायक रहे हैं, भूपेंद्र सिंह का नाम भी चल रहा था, गोपाल भार्गव का भी नाम चल रहा था और गिरीश गौतम का नाम भी चल रहा था कि शायद ये डिप्टी सीएम हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इनके नाम का भी कोई ऐलान नहीं हुआ। और अगर हम शिवराज कैबिनेट की बात कर ले तो कई सारे ऐसे दिग्गज वहां पर थे, कुछ सिंधिया समर्थक थे और कुछ ऐसे भी नेता थे जो शिवराज के भी खास है। अब जो मंत्रिमंडल का यहाँ पर गठन होगा, नया विस्तार होगा, मोहन यादव का जो कैबिनेट बनेगा वो कितना स्ट्रांग हो सकता है और किसको क्या पद, कितने अहम पद मिल सकते हैं, क्योंकि तमाम लोग यहाँ पर है, युवा भी है, दिग्गज भी है, महिलाएं भी है, तो कोई ऐसे भी है जो पांच पांच छह छह बार के विधायक रहे हैं। गोपाल भार्गव की बात कर रही हैं, गोपाल भार्गव का 9 बार का कार्यकाल है और वे सबसे सीनियर, अभी तक यदि हम बात करें तो विधानसभा में उनसे सीनियर नेता कोई नहीं है, लेकिन बावजूद इसके उनको कोई भी पद नहीं दिया जाना, ये पार्टी की कोई रणनीति का भी हिस्सा हो सकता है, उनको हो सकता है कहीं और उपयोग किया जाए। लेकिन आप जब बाकी लोगों की बात करते हैं, चाहे वो रीति पाठक हो, चाहे वो प्रहलाद पटेल हो, चाहे कैलाश विजयवर्गीय हो, तो ये बात सही है कि उनको अब कहीं ना कहीं उनकी भूमिका, चूंकि उनका नाम इतने लंबे समय से मुख्यमंत्री के लिए चला था, दो लोगों का नाम तो डिप्टी सीएम के लिए भी आ गया था, लगभग तैयारियां थी, लेकिन जब पार्टी नेतृत्व ने यदि पहला नाम चौंकाने वाला रखा था मुख्यमंत्री का, तो जाहिर सी बात है कि उप मुख्यमंत्री का नाम भी चर्चाओं में वाले नामों को हटा दिया गया था। और इसीलिए आप देखिए इस पूरे इसमें सारे निर्णय चौंकाने वाले हैं। मनोहर लाल खट्टर जब यहां आते हैं तब तक उन्हें यह नहीं बताया जाता है कि करना क्या है, और जब पार्टी की बैठक, विधायक दल की बैठक चल रही होती है, उसी विधायक दल की बैठक में एक फोन आता है, उस फोन के आधार पर उनको बताया जाता है कि इसमें से ये निर्णय होना है। तो ये बहुत मंथन के बाद हुआ है। तो जब मंत्रिमंडल का गठन होगा तो ये बात आप मान करके चलिए कि संगठन के नेताओं की, खासकर क्योंकि ये चुनाव में आप ये मान के चलिए कि भारतीय जनता पार्टी को एक तरह से संघ ने ही जीवन ऊर्जा दी है, वरना संघ के बगैर भारतीय जनता पार्टी के हालात बहुत नाजुक हो गए थे और ये हमने देखा भी, 18 में भी, चुनाव में भी देखा, अभी भी जब शुरुआत चुनाव की हुई थी, तो संघ की इसमें बहुत अहम भूमिका होगी। जब मंत्रिमंडल का जब गठन होगा तो उसमें संघ पृष्ठभूमि के लोगों को आप ज्यादा पाएंगे, और रहा सवाल महिलाओं का, ओबीसी वर्ग का या अन्य दलित एजेंडा, सारे वर्गों का समायोजन भी किया जाएगा, क्षेत्र का भी ध्यान रखा जाएगा, क्षेत्रीय संतुलन, जातिगत समीकरण सबको मिला करके, क्योंकि ये अभी 2 दिन का और है, इसलिए आज जो लोग पर्यवेक्षक बनकर आए थे वे आज नाइट स्टे करेंगे और रात तक शायद ये सब पूरी भूमिका पर अपनी प्रकाश डालते हुए और संगठन को पूरी गाइडलाइन दे करके उसके बाद ही वे यहां से जाएंगे। तो ये निर्णय जो है, ये मंत्रिमंडल निर्णय होने तक, इस निर्णय को पूरा परिपक्व बनाने की जिम्मेदारी पर्यवेक्षकों के पास है, और मैं समझता हूं कि यह निर्णय अब चूंकि संगठन का निर्णय है तो सभी विधायकों को स्वीकार्य होगा और बहुत जल्दी आप देखिए घंटे दो घंटे में सारी स्थितियां क्लियर होती चली जाएंगी। बिल्कुल अरुण जी, एक बहुत अच्छा और चौंकाने वाला नाम अगर मैं कहूँ पूरे इलेक्शन के दौरान, प्रदेशाध्यक्ष बी डी शर्मा का नाम, जब हम बहुमत में आते हैं, प्रचंड जीत मिलती है पार्टी को, तो बीजेपी दफ्तर में नारे लग जाते हैं कि हमारा नेता, हमारा मुख्यमंत्री बी डी शर्मा है। और हमने देखा पूरे चुनाव के दौरान, प्रचार के दौरान, शिवराज सिंह चौहान और अगर हम बी डी शर्मा की बात कहें तो दोनों बहुत बेहतरीन तरीके से प्रचार करते हुए भी नजर आए थे। तो कयास भी लगाए जा रहे थे, क्योंकि जो पिक्चर हमारे सामने उस वक्त थी वो यही थी कि इनका नाम भी सामने है, बी डी शर्मा का सामने आ रहा था मुख्यमंत्री की रेस में, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उनके नाम पर भी मुहर नहीं लगी, हालांकि सामने नाम आ गया, लेकिन अब उन पर क्या जिम्मेदारी हो सकती है, क्या प्रदेशाध्यक्ष के पद से हटाया जा सकता है या फिर सांसदी का चुनाव, चूंकि अभी भी सांसद है, प्रदेशाध्यक्ष भी है, इनको लेकर क्या कुछ डिसीजन पार्टी ले सकती है, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण किरदार उनका रहा है चुनाव में। डी शर्मा जी चूंकि संघ की पृष्ठभूमि से हैं, सर्वविदित है, कुशल संगठक हैं, ये भी सर्वविदित है, उन्होंने अपने आप को न केवल सिद्ध किया है बल्कि इस चुनाव में उनकी भूमिका को कोई नकार भी नहीं सकता। तो ऐसे में मैं आप और हम जो चर्चा कर रहे हैं कि वी डी शर्मा हुए, इस तरह के जो कद्दावर नेतृत्व, भले ही वो संगठन के रूप में उभर के सामने आए, तो इनका भी उपयोग मिशन 2024 जो मई में चुनाव होना है उसमें किया जाएगा। और ये भी पहले से तय मान के चलिए, आप देखिएगा
कि जब अगला कैबिनेट विस्तार होता है या अगली सरकार में बीडी शर्मा भी सरकार में कोई बड़ी जिम्मेदारी का निर्वहन कर सकते हैं। तो यहाँ जितने लोग अभी फ्री किए हैं कद्दावर लोगों को, जिनका खुद का एक कैडर है, जिनका खुद का एक लमसम वोट बैंक है, उन सभी का जो है उपयोग लोकसभा चुनाव में यह किया जाना ऐसा प्रतीत होता है। यह समझ में आता है कि जो नरेंद्र मोदी है और जो अमित शाह है और साथ में जो संघ के दिशा निर्देश चल रहे हैं आरएसएस के, तो उसमें इन लोगों को जिम्मेदारियों से मुक्त करना कहीं ना कहीं इस बात का घोतक है, कहीं ना कहीं एक बड़ा संकेत समाज के उस वर्ग को है कि इन लोगों का जो है अब देश की सक्रिय राजनीति में उपयोग किया जाए। नेहा, नवीन जी, सबकी अपनी अपनी एक चॉइस होती है और जिस प्रकार से यूथ की मैं बात कर लूं, क्योंकि 18 साल का शिवराज सिंह चौहान का कार्यकाल रहा है, यूथ ने जब से होश संभाला है, जब से उन्होंने शिवराज सिंह चौहान को देखा है और जिस हमने भी जब हम लोग भी पहुंचे फील्ड पर पहुंचे, तो जो यूथ की स्पेशली मैं बात कर लूं तो उनका ओपिनियन कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान की तरफ जा रहा था। तो वहीं जो लाडली बहने थे वो भी चाह रही थी कि उनका भैया चुनाव जीते और मुख्यमंत्री के पद पर आए। आज कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत निराशा हो सकती है, डिसीजन है, सबकी अपनी चॉइस हो सकती है, लेकिन अब ये यूथ जिन्होंने कुछ नहीं देखा है, जब से होश संभाला है, एक ही सरकार देखी है, एक ही को मुख्यमंत्री के पद पर देखा है, उनके लिए कितना मुश्किल हो सकता है यहाँ पर मैनेज करना। सृष्टि का नियम है और एक ही व्यक्ति के साथ यदि आप लंबे समय तक उसको एक ही पद पर रखते हैं तो बहुत सी कमियां भी आने लगती हैं, लोगों के अंदर भी विचार भी बदलते जाते हैं। ये बात ठीक है कि युवाओं ने उनको देखा, नए पीढ़ी के लोगों ने उनको बहुत, क्योंकि 2005 से वो मुख्यमंत्री थे तो लंबे समय से उनको देखा है, लेकिन एक समय पर तो आपको उनको कहीं और भेजना ही होगा ना भाई, कब तक एक व्यक्ति से आप काम लेंगे। तो इसलिए पार्टी ने ये निर्णय जो लिया है, इसकी वैसे पटकथा तो बहुत दिन पहले लिखी जा चुकी थी, लेकिन फिर भी लोगों को उम्मीद ये थी कि यदि कोई बहुत सुटेबल नाम नहीं होगा तो शिवराज सिंह चौहान फिर से मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन पार्टी ने चूंकि ऊपरी लेवल पर कई तरह के उन्होंने इसमें कयास देखे होंगे, कई समीकरणों का तालमेल बैठाया होगा और उसके बाद निर्णय लिया है, तो ऐसा निराश होने वाली स्थिति नहीं है, क्योंकि पार्टी जो संगठन है उसकी रीति नीति से सरकार चलेगी, सरकार किसी व्यक्ति की पसंद नापसंद से नहीं चलती है। ये बात ठीक है कि शिवराज सिंह चौहान बहुत विजनरी लीडर थे और उन्होंने बहुत सोच विचार करके नए लोगों के लिए, कृषकों के लिए, महिलाओं के लिए बहुत सी योजनाएं बनाई, लेकिन उस योजना में कहीं ना कहीं पार्टी का फीडबैक होता है, ब्यूरोक्रेसी का भी हाथ होता है, तो वो सारी की सारी चीजें अब कल से मोहन यादव के लिए काम करेंगी। तो ऐसा नहीं है कि मोहन यादव में ये सब चीजें, मैं उन्हें बहुत लंबे समय से जानता हूं, जब वो छात्र नेता थे मैं तब से, चूंकि मैं उज्जैन से वास्ता रखता हूं इसलिए मैंने उनका वो दौर भी देखा है जब वो कुछ नहीं थे, एक केवल छात्र नेता थे, छात्र नेता से पार्षद बने, पार्षद से विधायक बने, विधायक से पर्यटन निगम का अध्यक्ष बने, फिर पर्यटन निगम के अध्यक्ष के बाद उच्च शिक्षा मंत्री बने, एक लंबा समय था, उन्होंने भी राजनीति में ABCD सीखी है और बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़े हैं। ये बात ठीक है, लेकिन चूंकि मैंने फिर से एक बात कही है कि हर व्यक्ति जब नया होता है तब उसे चुनौतियां बहुत होती हैं और मोहन यादव के पास चुनौतियों का बहुत भंडार है इस समय, क्योंकि उन्हें अपना जो उनका कैरियर है वो भी देखना है, पार्टी की जो अपेक्षाएं उनसे है उसे भी पूरा करना है, कार्यकर्ताओं को भी रिचार्ज रखना है, और अभी वो केवल उज्जैन और मालवा से बाहर नहीं जाने जाते हैं, इसलिए उन्हें पूरे मध्य प्रदेश में अपनी पहचान बनाना है, क्योंकि वो अभी जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान की जो छवि थी वो मध्य प्रदेश व्यापी छवि है, बल्कि कहें देशव्यापी छवि है, उस छवि को उनके अंदर यदि बनाना है तो उन्हें अभी मध्य प्रदेश के दौरे करना पड़ेंगे, उन्हें उस उज्जैन वाला केवल एक जो कहते हैं ना कि कुएं के हिस्से से बाहर निकल करके पूरे समंदर को देखना पड़ेगा, बहुत सारे लोगों से अभी उनके संपर्क नहीं है, राष्ट्रीय नेताओं से भले हो सकते हैं लेकिन मध्य प्रदेश के कई बड़े क्षेत्रों में यदि उनकी भी पहचान नहीं है, वो चंबल में नहीं जाने जाते, उन्हें भी रीवा में भी दौरे करना है, उन्हें मालवा से बाहर निकलना पड़ेगा, तो ये भी एक उनके लिए चुनौती होगी। साथ में उनके जो कैबिनेट बनेगा उस कैबिनेट में बहुत भारी भरकम नेता होंगे, भारी भरकम विधायक जो पहले से मंत्री भी रहे उनसे भी पुराने, उनको भी उनको संतुष्ट करके चलना पड़ेगा, और आप समझ सकते हैं कि ब्यूरोक्रेसी हर छोटी छोटी चीजों का लाभ ले जाती है, तो वो भी उनको समझ के और ब्यूरोक्रेसी पर भी नियंत्रण रखना पड़ेगा, वरना जो नीति या जो निर्धारण वो तय करेंगे उसका एग्जीक्यूशन में कहीं दिक्कत तो नहीं हो रही है, नीचे तक जो डिलीवर होना चाहिए वैसे हो रहा है या नहीं उसकी मॉनिटरिंग भी उनकी एक जिम्मेदारी होगी, तो उनके पास अभी करने के लिए बहुत काम है, चुनौतियां ढेर सारी हैं, अब देखना यह है कि मोहन यादव इन चुनौतियों पर कितने खरे उतरते हैं। शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जिम्मेदारी बहुत सारी है डॉक्टर मोहन यादव के कंधों पर, नव निर्वाचित सीएम है मध्य प्रदेश के, और इसी पर चर्चा के लिए चलिए आपको ले चलते हैं इंदौर स्टूडियो।